ना बनया मैं रही तेरे भरोसे। और देखो बारिश ही बारिश हो रही है और सामने देखो रेनबो बना है, कितना प्यारा लग रहा है रेनबो। और ये देखो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, ये है रेनबो। वाह बारिश देखो कितनी भयानक है। मैं अपने घर की छत पे हूँ अभी और आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू। हेलो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पालवाड़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना ना भूलें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने करा था अपना गाँव एक्सप्लोर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरे गाँव वाले काफ़ी सपोर्टेड हैं और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे काम को, और ऐसे गाँव वाले सबको मिले। तो बात करते हैं आज की वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा धान की रवाड़ी जो हम आज देने जा रहे हैं। और रवाड़ी क्या चीज़ होती है कि हम एक टुकड़े में क्यारी में धान बीजते हैं और जब ये उग जाते हैं उसको बोलते हैं रवाड़ी, और जब खेतों में पानी हो जाता है तो जगह जगह उसको बो देते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं रवाड़ी। तो आज वो प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, तो बने रहें वीडियो में अंत तक जरूर देखें। और मेरे साथ होंगे मेरी मम्मी, मेरे डिस्को डोपो, और बने रहें वीडियो में और लेके चलते हैं आपको। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में, ये देखो ये हमारा धान का खेत। और अभी बारिश नहीं हुई है तो धान की बिजाई अभी नहीं हो सकती, और इस वाले पार्ट में हम क्यारी बना के देंगे रवाड़ी। रवाड़ी मैंने पहले भी आपको बताया, अब मैं फिर से बताता हूँ कि एक जगह हम धान बीज देंगे और उसको बारिश होने पर जब खेत में पानी हो जाएगा तो जगह जगह उसको बोएंगे, उसी को बोलते हैं रवाड़ी। और मेरे सामने आप देख रहे हैं ये है धान का पैकेट आधा किलो का। और अगर हम धान की अभी धान पूरे खेत में बीज देते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा धान लगेगा और रवाड़ी में थोड़ा कम धान लगता है। तो बने रहें इस वीडियो में और देखते रहें आगे। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि हमने बना दी है क्यारी जैसी, और इतने हिस्से में हम यहाँ रवाड़ी या धान बीजेंगे और जिसके बाद ये धान हो जाएगा तो अब इस पूरे खेत में लगाएंगे। देखो इतना बड़ा खेत, और अब थोड़ी हमने नाली जैसे इसमें निकाल दिए पानी जाने के लिए, चारों साइड आप देख सकते हैं। और किस किस चीज़ की हमें जरूरत पड़ेगी, है झांब और कुदवाड़ी, और पर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं त्रियांगड़ा। तो अब हम फेंकेंगे इसमें गोबर, उसके बाद कुदाली से इसको बराबर करेंगे, उसके बाद करेंगे धान इसमें बीजेंगे।
चुके हैं यहाँ छम्मण और रोड़ी लगाने के बाद आप सामने देख रहे हैं ये अपार सफलता के बाद ये मेरी बुआ, ये मेरी मम्मी, ये मेरी मासी। तो ये सुनाएंगे कि धान अच्छे लगे और उसकी शुभकामना के लिए गाएंगे गाना। ਸਾਮਾ ਚਰਨ ਦਲਾ